अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, और इसमें हम चीज़ ये जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक है और बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल नहीं जानती है कि एक स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या होती है, किस तरह ये काम करती हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले आप लोगों को इसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर के शेयर क्या होती है, दूसरी चीज़ है ये है कि शेयर मार्केट क्या होता है, थर्ड नंबर पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट काम किस तरह करता है, और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा आज का तो उस पर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमने ट्रेडिंग किस तरह स्टार्ट करनी होती है। सो ये चार टॉपिक है, व्हाट इज़ शेयर, व्हाट इज़ शेयर मार्केट, हाउ शेयर मार्केट वर्क्स, एंड एट द एंड हाउ टू स्टार्ट आवर ट्रेडिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ शेयर। सो अ शेयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी के अंदर आपकी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप क्या है, ये आपका शेयर कहलाती है। दूसरा जो डेफिनेशन है उसमें ये कहते हैं कि अ पर्सन कैरिंग अ शेयर ऑफ अ कंपनी रिटेन द पार्ट ऑफ पोजिशन इन दैट कंपनी। सो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी के जितने शेयर्स आप रिटेन करते हैं तो आपको इतनी उतनी ही पोजिशन है उस कंपनी का, आप उतने ही मालिक हो उस कंपनी में। और थर्ड डेफिनेशन है द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ईच यूनिट इज़ कॉल्ड शेयर। किसी लेट सपोज एक कंपनी है, उसकी वर्थ क्या है, और उसकी जो वर्थ है उसको अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं तो एक हिस्से को कहते हैं उस कंपनी का शेयर। सो शेयर को डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। अ पर्सन एक्स ओनर ऑफ अ कंपनी ए बी सी हैविंग वर्थ आर एस 5 मिलियन, लेट सपोज इफ ही नीडेड टू ग्रो हिज बिजनेस एंड रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 5 मिलियन मोर अमाउंट, सो ही विल लिस्ट द कंपनी इन अ स्टॉक मार्केट एंड डिवाइड द कंपनी रिक्वायर्ड कैपिटल इनटू शेयर। फॉर एग्जांपल 5 मिलियन उसको रिक्वायर्ड है तो उसके 5 लाख के शेयर्स बना लेते हैं, और जो कि पर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। थोड़ा सा इस टॉपिक को और ये एलबोरेट कर लेते हैं कि लेट सपोज एक बंदा है, वो एक कंपनी का मालिक है और उसको रिक्वायर्ड है 50 लाख रुपये, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो लोन लेता है बैंक से जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरी उसके पास ये होगी कि वो अपनी कंपनी को लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, राइट। तो जैसे ही वो लिस्ट कर लेती हैं तो उसको जितना भी कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसकी वो छोटे हिस्से बना लेते हैं जो कि शेयर कहलाती हैं, और उसके बेचना शुरू कर देता है। लेट्स डिस्कस आवर सेकेंड टॉपिक, व्हाट इज़ अ शेयर मार्केट। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अ शेयर मार्केट इज़ अ प्लेस विच डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। So let's discuss our third topic, how share market works. So stock market is basically giving investor to company so that company can invest the money and will work for the growth of the business. And for investor, it gave a platform to raise their saving and grow with the company profit by purchasing the company shares. So yahan pe do kaam hota hai, stock market ye kaam kis tarah karti hai. एक स्टॉक मार्केट क्या करता है, कंपनी को इन्वेस्टर देता है, क्योंकि कंपनी को कैपिटल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सके। और दूसरे हैं वो इन्वेस्टर को प्लेटफॉर्म दे देते हैं ताकि वो अपनी जो सेविंग्स है उसको ग्रो करे विद द कंपनी प्रॉफिट बाय परचेसिंग देयर शेयर्स, राइट। सो इन्वेस्टर आर परचेसिंग द कंपनी शेयर्स, and then after some time company will share the percentage of profit or loss with the investor. So agar company profit kar leti hai to investors ko bhi fayda hota hai, aur agar wo loss kar leta hai to wo investor ko nuksan ho jata hai usme, aur all this happens because of broker. To broker ka kaam kya hota hai, aapke liye buying and selling of shares kar deta hai, aur beech mein se wo apna commission ka leta hai aur us pe wo guzara kar lete hai. Let's discuss our fourth
एंड फाइनल टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो इसमें आज हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और थर्ड आपको सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट में फर्स्ट नंबर पे है यू मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। और दूसरे यू मस्ट हैव अ शेयर मार्केट अकाउंट, जिससे आपकी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के अंदर आपकी पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट होती है, जो कि मोस्टली आप थ्रू ब्रोकर के ज़रिए आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जिस ब्रोकर के ज़रिए आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर करेंगे, उस ब्रोकर के थ्रू आप इसको ओपन कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अकाउंट ओपन की हुई है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स ली हुई हैं, तो इस अकाउंट के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि मेरे पास कौन से कंपनी के शेयर्स हैं, उसकी कीमत क्या है, उसकी पेस वैल्यू क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या मैंने उसके अंदर कोई प्रॉफिट की हुई है या मैं लॉस में हूँ। तो इस सारे चीज़ का पता आपको इस अकाउंट के ज़रिए पता चल जाता है। और थर्ड नंबर पे यू मस्ट हैव अ सिस्टम नॉलेज बिकॉज सिस्टम वर्क्स एंड ह्यूमन फेल्स। क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट के बारे में सुना होता है कि इन्वेस्टमेंट इन अ स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट इज़ वेरी रिस्की। तो इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि रिस्की है, लेकिन अगर वो सिस्टम के थ्रू चलता है, अगर आपको सिस्टम की नॉलेज का पता होता है, आपकी स्टॉक मार्केट की बेसिक्स का पता होता है कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये बहुत सारे डिफेंस करता है, आपकी क्राइसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये मार्केट की ट्रेंड्स पे भी डिपेंड करता है, बिजनेस की फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि उससे मार्केट रिफ्लेक्ट होती हैं और उस पे पता चल जाता है, और ये सिस्टम उसी ही के ऊपर बेस करती हैं। तो अगर आपको सिस्टम का नॉलेज है तो आप आसानी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, अगर इस सिस्टम के ज़रिए अगर कोई 4-5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करता है और उसको मार्केट के एनालिसिस का पता हो, वो जानता हो कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे सिस्टम और जिससे मार्केट रिफ्लेक्ट होती हैं, या कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ज़रिए मार्केट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो आराम से 4-5 लाख रुपए अगर वो इन्वेस्ट कर लेता है तो वो आराम से 20-30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। और वो कौन से इंडिकेटर है और कौन सी चीज़ें हैं जिससे, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के थ्रू आपको सीखने को मिलेंगे। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।